الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ثم الحمد لله هو الأكبر والأعظم أما بعد فقد قال مولانا إمام الحسين عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يوم البيت والباطل لا يتناهى عنه मिलकर सब आप पढ़े हमारी जबान में ना कोई सुर है ना कोई कसीदा है। हम अपनी अपने खास अंदाज से कुछ आपकी बारगाह में अराइजा करना चाहते हैं। आज की जो शब गुजरी वो शब मबास रसूल और जो शब आने वाली है वो शब मबास हुसैन। ये एक इल्मी नुक्ता है, आप जाकिर पसंद लोग हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ये मबास किसे कहते हैं? मबास लफ्ज जो है ये इसकी माने क्या है और फिर हम इस दिन ईद क्यों मनाते हैं? ये एक मसला है जिसकी तरफ हमारे शिया कौम मुतवजा नहीं होती और कामिलन मुतवजा हो जाना चाहिए। इसी में मुख्तसर माने बयान करता हूँ। मबास के बना है बैसत से निकला है, बैसत के माना भड़काना। किसी को आप आग भड़काते हैं ना, तीली लगाने के बाद लाइटर से जलाने के बाद थोड़ी थोड़ी हवा देते हैं ताकि इन लकड़ियों को आग लग जाए, इसे कहते हैं बेसत। अगले इंसानी को भड़का कर शैतान से छुड़ा कर खुदा तक पहुंचाए उसे ईद मुस्तफा कहते हैं। बस हमें बगावत ने सुना ना बगावत आपने कभी? बाकी किसे कहते हैं? जो मुरवज तरीकों से हद के मुखालफत में जाए, जो शैतान को छोड़ के शैतान से बागी होकर खुदा की तरफ जाए उसे मबूस कहते हैं। ये माना है असल बेसत की माना ये। हम इसलिए खुश होते हैं कि इस दिन मुस्तफा ने अपने काम का आगाज किया और हमें गैरतमंदी वाले रास्ते पर चलाया, बेगैरती से छुड़वा के, बदतमीजी से छुड़वा के, जहाज के दाव से छुड़वा के इल्म की दुनिया में लाया। वो दिन है हमारे खुशी का दिन, इस वजह से हम उसे खुशी मनाते हैं। अच्छा ये माने लड़ा थोड़ा अजीब ही है। अभी आप नेट पर जाए, आप दोस्तों के पास अक्सर के पास टच मोबाइल होगा, उसमें यूट्यूब तो वाजिब है। जिसके पास मोबाइल में यूट्यूब नहीं वो समझता है कि मैं दुनिया से कटा हुआ। एक लफ्ज मैं लिखता हूँ, एक लफ्ज मैं आपको बताता हूँ, आप जाके उसको चेक कीजिएगा। ओझा सर इंडिया का एक हिंदू है, हिंदू है, उसकी एकेडमी है इकरा एकेडमी, वो लाखों लोगों को पढ़ाता है, एक दो चार छ नहीं लाखों लोगों को पढ़ाता है। उसे पूछा किसी ने कि बताइए आप हिंदू नॉन मुस्लिम आपने ये इकरा लफ्ज के साथ एकेडमी क्यों खोली, इकरा के साथ एकेडमी क्यों खोली? उसने कहा कायनात में अंधेरा था, कायनात में जहालत थी, कायनात में गंदगी थी, कायनात में बेगैरती थी, कायनात में कुछ नहीं था, रोशनी नहीं थी, इसी इकरा ने तो रोशनी डाली है, इसी इकरा ने तो रोशनी डाली है। और इसी इकरा के में अगर ये इकरा ना होता कायनात के अंदर हवाई में हवा में जहाज ना उड़ते, हवा में जहाज ना उड़ते, आपका इलाज ना होता, आपके बच्चे गधों के साथ बधे होते। इस वक्त आपको इस राय कहलाते हैं ना, खुद को अपने आप को आलम साइंसदान जो कुछ कहलाते हैं इस मुस्तफा के सदके में है। अपनी एकेडमी का नाम, अपनी एकेडमी का नाम मैंने इकरा इसलिए रखा, आदम आए उसने पढ़ने की बात नहीं की, यहया आए उसने पढ़ने की बात नहीं की, यूसुफ आए पढ़ने की बात नहीं की, जकरिया आए पढ़ने की बात नहीं की, यूनुस आए पढ़ने की बात नहीं की, हत्ता ईसा आए पढ़ने की बात नहीं की, मुस्तफा आए पहले पढ़ने की बात की। मुस्तफा आए
پڑھنے کے بعد کیا فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھ ان پڑھ نہیں پڑھتے اللہ اکبر میں کہاں بات کر رہا ہوں ان پڑھ کاغذ قلم نہیں منواتے ان پڑھ نہیں پڑھتے کاغذ قلم نہیں منواتے پڑھے لکھے ٹائم وہ امی تھا امی اس معنی میں تھا کہ آپ جیسا کوئی اس کا استاد نہیں تھا وہ پڑھا لکھا تھا عالم ملکوت سے پڑھا لکھا اقرا اب جس مصطفیٰ کا پیغام اقرا سے شروع ہو اللہ اکبر یہ رونے کی بات ہے جس مصطفیٰ کا پیغام اقرا سے شروع ہو اس مصطفیٰ کے ماننے والا کہاں کھڑا اس کی علمی کیفیت کیا ہے آج کے دن جہاں پہ آج جلسہ کر رہے ہو پاکستان میں آج آپ کے ایٹمی اثاثے انگریز لینے آیا لے کے جا رہا ہے آپ سے 12 سال کے بعد 15 سال کے بعد پاکستان اس طریقے سے نہیں ہوگا ہماری جہالت کی وجہ سے اگر مصطفیٰ اچھا بعثت کی معنی میں نے بتایا آپ کے بارے میں بعثت کی معنی بتائی بھڑکانا عقل کو کامل کرنا عقل کو کمال تک لے جانا اچھا یہ تھا مصطفیٰ جس نے عقل کو کامل کیا اور آج کی رات حسین دین کامل کرے گا مصطفیٰ نے عقل کو کمال تک پہنچایا حسین دین کو کمال تک قیامت تک لے جائیں گے دین کو اچھا بات ذرا کچھ عجیب ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا علی باب العلم رسول مدینہ العلم اور باب العلم مدینہ العلم کا ماننے والا انگوٹھا چھاپ ہو یہ برسوں میں آ رہی آپ جتنے آپ جلسے کرتے ہیں یہ ضروری ہے جلسے کرنا ذکر حسین لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں اگر آپ نے نہیں کیا یہ مصطفیٰ تھپڑ مار کے باہر نکالے گا کہ مجھے ہندو پڑھ کے آسمان پہ چلے گئے اور آپ نیچے رہ گئے بچوں کو لباس کو چٹی لگائیں ایک دن کا کھانا نہ کھائیں بچے کی فیس ضرور بھریں اگر آپ نے نہیں بھری تو سید و شہداء آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ لاکھ ماتمی ہو آپ لاکھ بڑے جلسے کر دیں بڑے بڑے امامے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بینر بڑے بڑے پوسٹر لگوانے لیکن حسین کی لعنت چھوڑے گی نہیں اس لیے کہ آپ نے اپنا بچہ ان پر پیدا کیا بچہ باپ تو کتا بھی ہو جاتا ہے یہ نقطہ میں آپ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں غصہ آئے گا آپ کو بھی مجھے بھی آیا تھا جب میں نے سنا تھا بچہ باپ تو کتا بھی بن جاتا ہے اور باپ آپ بھی بن جاتے ہیں ماں کتی بھی ہو جاتی ہے ماں ہماری ماں بھی ہوئے لیکن جب تک آپ باپ ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک حسین معاف نہیں کرے گا یہ سچ کو ان کے بابا تو سب کچھ یہ بن میرے بعد بابا بڑی ہوگی مجھ سے پہلے بابا بڑی ہوئی ہے میرے بعد بھی میرے پہلے بھی لیکن حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی تک پہنچائے آپ کہتے ہیں میں ابھی دادو میں نے بھی جلسہ پڑھا اس میں میں نے کیا یہ کلندر شہباز ولی ہے نا کہ ولایت کے دروازے پہ ٹھپا لگ جائے کہ نہیں ہو سکتا کیا بتائیں مجھے ولایت کے دروازے پہ ٹھپا لگ جائے تو اب نہیں ہوگا آپ کا بچہ پی ایچ ڈی کر کے یہ ولی ہے آپ کا بچہ یونیورسٹی میں جائے ڈاکٹر بنے پی ایچ ڈی کر کے جب واپس آئے اسے دعا منگوا اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دعا رد نہیں ہوگی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے علی باب العلم ہے علی کے دروازے سے علم لے کے کائنات کو روشنی دے وہی تو ولی ہے آپ کہتے کلندر ولی ہو گیا ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کا بچہ بھی ولی بن سکتا ہے پی ایچ ڈی کرنا ہے پڑھائے اسے میدان میں لے آئے اسے عالم بنائے اسے کمال تک پہنچائے یہ کمال تک پہنچے گا جب انسان کی ہدایت کرے گا یہی ولی ہے آپ نے دماغ بنا لیا کہ بس یہ ولی ہو گیا اور کچھ نہیں یہ ظلم ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی نے بتایا کہ آپ کے علی نے ولایت کے دروازے کھولے آپ کے علی نے ولایت کے دروازے کھولے آپ کے علی نے حسن نے ولایت کے دروازے کھولے چلا میں آپ کے بارے میں کر دیتا مصر میں تباہ کیا تھا ولی تھا یا نہیں علی نے پڑھایا تو ولی بنانا حاجر بن مودی ولی تھا یا نہیں حاجر بن مودی ولی تھا یا نہیں ابو حمزہ سومالی ولی تھا یا نہیں
ये वो सब सैयद थे नहीं, ये अहल बैत के दर के पढ़े लिखे थे। जो पढ़ेगा सो वो वली बनेगा। अगर आपने पढ़ाई का दरवाजा बंद कर दिया तो वली कोई और बनेगा। इसे अपने बच्चों को पढ़ाए, पीएचडी करवाए, कमाल तक पहुंचाए, यही विलायत है। और आज की रात बस मैं बात खत्म होगी, पैगाम आप तक पहुंचे। जिस दुश्मन अहल बैत को मुस्तफा ने मदीने से निकाला था, पता है कौन? मरवान बिन हकम। अभी बिल पास हो गया, जो इससे हवाले से बात करेगा वो उस पर एफ आई आर होगी। ये हमारी खामोशी की वजह से, हमारे से लापरवाही की वजह से। ये मरवान बिन हकम इसने एक तौहीन की रसूल खुदा, रसूल खुदा के हरम की। एक होता रसूल की तौहीन करना, एक रसूल के हरम की तौहीन, मुखदरात की तौहीन। पैगंबर ने कहा इसे निकाल बाहर, निकाल दो बाहर, चला गया। कुछ अरसे के बाद खलीफा अव्वल आया, उसने और आगे कर दिया। खलीफा दूम आया, उसने और आगे कर दिया। जब खलीफा सिवम आया, उसने उसको इसाबदार बना दिया। समझे नहीं समझे? इसाबदार बना दे, ये नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, मालियात का डिपार्टमेंट सारा उसके हवाले किया। इसका बेचा वली मुस्तफा ने इन दोनों बाप बेटों को बाहर निकाला। ये मदीने का गवर्नर बना, ये निकला हुआ मदीने से निकाला हुआ जब हाकिम बना, इसे मैं हुसैन को निकाला। काफी है बस, पैगाम पहुंचे। जिसको मुस्तफा ने निकाला था उसने हुसैन को निकाला। अब आपसे मैं पूछता हूं, बात पूछता हूं आपकी बारगाह में, हमारी और आपकी गैरत कहां मर गई कि ऐसे बिल हो रहे हैं? हम आपस में तो जमा हो रहे हैं कि इस मलाऊं के हवाले से बात करो जो दुश्मन हुसैन है। कल में मेरे मोबाइल में अभी भी दो दिन पहले रेफर कर दी। हम कहां है? ये हमारे जैसे क्या कर रहे हैं? हमारे जलसे क्या कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं? हम इस तरफ नहीं सोचते क्यों? आपको आजादारी कायम रखी है तो कैसे करोगे? कल कल जब घर में आ जाए फिर जिसने जिसको मुस्तफा ने निकाला उसने हुसैन को निकाला। अब जिसने हुसैन को निकाला इस पर बात करोगे तो ही काटो काटो एफ आई आर। हम कहां जाए? हम पढ़े नहीं, हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने अपने औलाद को तालीम नहीं दी। मैं तो मातम करता हूं इस बात पर, मैंने अपनी काफी कोशिश भी की। हमारी माँ जो आजादार बच्चा पैदा करे उसको सही गुस्ल मिलने का हक नहीं है। मरने के बाद अगर वो मर जाए हमें कोई मुआलमा नहीं मिलती कि इसको सही गुस्ल दिया जाए। मर्द मर जाता है, मोरों से मोरी आ गया, अब्दुल फतह आ गए, दादू से मोरी साहब आ गया, नमाज जनाजा भी हो गई। लेकिन ये खातून असादार मर जाए तो ये कयामत के दिन जनाबे दहरा के सामने आपके खतम में नहीं पकड़ेगी कि बच्चा मैंने असादार दिया था, मुझे गुस्ल का हक भी नहीं मिला। क्यों? क्यों ये दहरा के सामने ये मामला? मैं अभी आ रहा था, आपकी मामला सुन रहे, मेरी गुफ्तगू सुन रहे, सलाम हो आपके अजमतों पर। मैं आज कह रहा हूं कि अभी ये मामला हमारी नहीं पढ़ेगी, इसकी अकीदत दहरा को कबूल है, लेकिन इसकी अकीदत आपको दे डूबेगी कि आपने काम नहीं किया। वाह सच है, सच है। आपने मेहनत नहीं की, आपने तवज्जो नहीं दी, आपने मतवज नहीं किया। जितना कुरान पर था इनका था, इतना आपका था। आपके लिए आलम दिन आ जाए, आपके लिए फातिहा भी हो जाए, आपके लिए सब कुछ हो जाए, ये जो मोमिना फौत हो गई ऐसे करके गुस्ल करके दफन कर जाने था बस। ऐसे है या नहीं? कभी आपने बेटी छोड़ी पढ़ने के लिए मदरसे 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए? कभी अगर ठीक है नहीं होता वहां से कोई आलमा मंगवाई से बैठ जाओ यहाँ पे हमारे बच्चों को फिक्र सिखाओ। वाह वाह बहुत अच्छे। कभी किया आपने? नहीं करते। रोने के लिए तो हमारा माता है, रोया तो शिविर भी था। मैं
तो मैं आज करता हूँ आपकी बागा में, अभी मैंने देखा भी था। और ने नमाज नहीं बदली की, और ने रोजा बदली नहीं किया, और ने इमाम बदल किया। पहले यजीद इमाम था, उसको छोड़कर अब हुसैन को इमाम बनाया, जन्नती बना। आपने हुसैन को इमाम तो बनाया है, लेकिन अमल की दुनिया में नहीं। अजीजा जिसने हुसैन को निकाला मदीने से, या हुसैन या जंग करो या मदीना छोड़ दो, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अच्छा एक आखिरी बात, ये मेरे सामने बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं, सुन रही है, कौन सा लीडर आपसे प्यार करता है? दुनिया का कौन सा ऐसा लीडर है जो तुमसे प्यार करता है? अभी पाकिस्तान में तो आपके नाम पर आपको लूटा गया, जीरो से ज्यादा है। पीडीएम में मौलाना साहब शाहबाज शरीफ एक पैसे ये सियासतदार है, मैं इनकी बात करता हूँ। याद है मेरे भाई बुजुर्ग वाले, मेरे मेरे दादाजी, मैं इनकी बात नहीं करता, मैं एक लुटेरे की बात करता हूँ। इन्होंने अपने औलाद को पेट पाला, मुस्तकबिल महफूज किया। दुनिया का कौन सा ऐसा लीडर है जो आपके लिए अपनी सकीना को तमाचे खाते हुए देखे? ये हुसैन लीडर है, ये जो आवाम से इतना प्यार करता है, इस गरीब से हुसैन इतना प्यार करता है कि वो असगर को हाथ पे लेके आया ताकि असगर अब बात कर, इनसे पानी मांग, लब हिले नहीं। अशिया की फौज हिल गई। ये वो लीडर है जो आपसे प्यार करता है, आपके प्यार में घर छोड़ा। चलो मैं जुमला आज करता हूं, पहले की तरह वो ये जुमला कि अगर इमाम हुसैन मदार मुस्तफा पे बैठ जाते तो माल नहीं कमाते क्या? मदार अली पर बैठ जाते तो माल नहीं कमाते क्या? बहुत कमाते। लेकिन हुसैन आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करने के वजह ही उसका अकबर मारा गया, उसकी सकीना को तमाचे लगे। जनाब सकीना का नाम आया, मैं जुमला बात पढ़ के मैं मेंबर छोड़ देता हूँ। वो साला औरत आई जनाब सकीना की वजह से, बस एक ही जुमला रवायत का मसाइल पर काफी हो गया। वो साला औरत आई, उसने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे से ये कपड़ा हटाया, रखा बखुदा रखा, और फिर पांव से कपड़ा हटाया और मुड़ के कहा जैनब उलिया ये बच्ची बीमार थी, ये बच्ची बीमार थी। कहा कि नहीं बीमार तो नहीं थी। कहा कि मैंने जैसे कपड़ा हटाया ना चेहरे से, तो ये जो कपड़ा पेशानी पे लगा हुआ था वहीं से गोश्त के टुकड़े कपड़े के साथ बाहर आ गए, ये तो भी बीमार लगती है। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, बात समझ आई। जनाबे जैनबे आलिया ने फरमाया इस बच्ची के सर पर इतने पत्थर लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस बच्ची के सर पर इतने पत्थर लगे कि कोई जगह बाकी नहीं रही सकीना की, सकीना की जहां से गोश्त सालम हो, जहां पे जिस्म सालम हो। खातून ने मुड़ के कहा बीबी अगर ये ऐसी बात है तो फिर पांव में क्या हुआ? पांव में तो पत्थर नहीं लगे। एक मर्तबा ज़ैनब उलिया रो के फरमाती है ऐ हुसाना, ऐ हुसाना खातून, ऐ हुसाना खातून, तेज तेज घोड़े के साथ जितना जहां जहां ऊंट उड़ गए वहां सकीना दौड़ती रही, सकीना घोड़ों के साथ दौड़ती रही। अल्लाह लानतुल्लाह कौम जालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबन यनकलबून। अल्लाहुम्मा